जादू कई तरह के होते हैं, कुछ एक्ट्स खतरनाक होते हैं तो कुछ बहुत ही सिंपल, लेकिन कैसा भी जादू हो देखने में बहुत मजा आता है। कुछ जादू ऐसे होते हैं जिसमें जादूगर ना जाने कैसे सामने वाले का दिमाग पढ़ लेता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 कमाल के माइंड रीडिंग साइकिक एक्ट्स देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जादूगर आखिर ऐसा कैसे करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मैजिक एक्ट को जादूगरों की फेमस जोड़ी द क्लेयरवॉइंट्स ने परफॉर्म किया है। इसमें मैजिशियन एमिली स्टेज पर जजेस की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है। उनके ऊपर एक चॉकबोर्ड लटक रहा है जो इस वक्त कवर्ड है। अब जजेस के सामने एक जेली बीन से भरा बॉक्स लाया जाता है। इसमें से साइमन एक बीन उठाते हैं, उसके बाद हेदी एक बीन उठाती है और फिर मेलबी कुछ बीन्स को निकाल कर एक ग्लास में डाल देती है। इतना सब होने के बाद जादूगर एमिली टर्न होती है और जो जो हुआ है सब कुछ सही सही बता देती है। साइमन ने किस कलर की बीन उठाई, हेदी ने किस कलर की बीन उठाई और मेलबी ने ग्लास में कितने बीन्स डाले हैं। 22 चेली बीन्स इनसाइड दिस ग्लास। जादू यही खत्म नहीं होता, इसके बाद उस बोर्ड को रिवील किया जाता है जो स्टेज पर पहले से ही रखा हुआ था और इसे देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि इस बोर्ड में पहले से ही वो सब लिखा हुआ था जो होने वाला था। लेकिन कैसे, क्या सच में जादूगर एमिली के पास कोई जादुई शक्तियां हैं? आखिर इस कमाल के प्रिडिक्शन एक्ट के पीछे क्या ट्रिक है, चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैजिशियन एमिली की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, यानी वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है और सामने वाली स्क्रीन पर कहीं भी आराम से देख सकती है। सामने एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन है जिस पर मैजिशियन का असिस्टेंट बड़ी ही आसानी से एमिली को किसी कोड या कलर की फॉर्म में इंडिकेशन देकर बता सकता है कि जजेस ने किस कलर की बीन्स उठाई है। यहाँ मैजिशियन को पता है उसे असिस्टेंट के इन इंडिकेशन को स्क्रीन पर कहाँ देखना है या ये कैसे दिए जाएंगे, और इन्हीं इंडिकेशन को देखकर मैजिशियन इजिली जज द्वारा उठाए गए बीन्स के कलर और फ्लेवर का प्रिडिक्शन कर देती है। लेकिन यहाँ तीसरे केस में मैजिशियन को कैसे पता चलता है कि मेलबी ने कितनी बीन्स ग्लास में डाली है, क्योंकि यहाँ तो खुद मेलबी ने भी काउंट नहीं किया था। दोस्तों ये कमाल इस बास्केट का है जिसमें सारी जेली बीन्स रखी हुई हैं। दरअसल ये बाहर से सिंपल बास्केट की तरह है लेकिन इसके अंदर वेइंग मशीन यानी वजन नापने वाली मशीन लगी हुई है। अब क्योंकि सभी जेली बीन्स एक साइज और वजन की है तो इस बास्केट से कितनी जेली बीन्स निकाली गई है इसका कैलकुलेशन इसके वजन से किया जा सकता है। इस वेइंग मशीन की रीडिंग इसमें लगे ट्रांसमीटर से असिस्टेंट तक पहुंच जाती है जिसको कैलकुलेट करके जादूगर का असिस्टेंट ये भी जादूगर को स्क्रीन पर इंडिकेट कर देता है। अब आते हैं इस बोर्ड पर। स्क्रीन पर इंडिकेशन देखकर एमिली ने सब प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ बोर्ड पर सब पहले से सही सही कैसे लिखा हुआ है? अब अगर जिस बोर्ड को पहले स्टेज पर लटकाया गया था और जिस बोर्ड को लास्ट में रिवील किया गया उसके कॉर्नर को कंपेयर करें तो यहाँ आप दोनों की राइटिंग में फर्क आराम से देख सकते हैं। यहाँ डस्टर मार्क्स भी ज्यादा हैं, साथ ही लेटर ई में भी डिफरेंस साफ देखा जा सकता है, यानी साफ है कि पहले रखे हुए बोर्ड को फाइनल बोर्ड से बदला गया है। एक्ट के दौरान जादूगर का असिस्टेंट नए बोर्ड पर सारे प्रिडिक्शन लिख देता है और फिर उसे स्टेज पर रखे बोर्ड से बड़ी ही चालाकी से बदल दिया जाता है और इस तरह अंत में सबके सामने बोर्ड को रिवील किया जाता है जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं जादूगर ना तो हमें हिप्नोटाइज करता है, ना ही हम पर कोई जादू करता है और ना ही जादूगर के पास कोई जादुई शक्तियां होती है, बल्कि पूरा मैजिक एक्ट उसकी एक कमाल की ट्रिक होती है जिससे वो बस हमें बेवकूफ बना देता है। इस अगले जाइंट कार्ड ट्रिक को परफॉर्म किया है फेमस मैजिशियन क्रिश्चियन ली ने। जादूगर इस एक्ट की शुरुआत में एक लेटेक्स ग्लव्स में हवा भरता है और फिर उसे फोड़ देता है और ना जाने कहां से जादूगर के हाथ में एक बोतल आ जाता है। इसके बाद जादूगर एक जज को स्टेज पर बुलाता है और उसे बड़े कार्ड्स का डेक पकड़ने के लिए देता है। अब जादूगर जज को माइंड में कोई एक कार्ड सोचने के लिए कहता है। इसके बाद मैजिशियन एक बड़े से बलून में हवा भरता है और उस बलून को अपने सर पर पहन लेता है और दावा करता है कि ये बलून उनका माइंड इनहेंसिंग डिवाइस है जो उनके दिमाग को माइंड रीड करने की शक्ति देता है। अब मैजिशियन अपने बड़े दिमाग यानी उस बलून को जज के सर से टच करता है और उनके माइंड को पढ़ने की एक्टिंग करता है। इसके बाद जादूगर जज से उनका सेलेक्ट किया हुआ कार्ड बताने के लिए कहता है जो होता है सिक्स ऑफ हार्ट्स।
और फिर जब जज के हाथ में से कार्ड्स के डेक को लेकर जादूगर शो करता है तो एग्जैक्टली वही कार्ड उल्टा रखा होता है जिसे जज ने सेलेक्ट किया था, जो होता है सिक्स ऑफ हार्ट्स। और इस तरह जादूगर अपने इस एक्ट से सबको हैरान कर देता है। लेकिन कैसे जादूगर क्या सच में बलून की मदद से किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है या इसके पीछे कोई ट्रिक छुपी हुई है? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। सबसे पहले जहां से जादूगर ने इस एक्ट की शुरुआत की थी, यानी लेटेक्स ग्लव्स में से इस बोतल को लाने की, इसे समझते हैं। ये काफी सिंपल ट्रिक है, बस इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। असल में जादूगर हवा में से बोतल नहीं निकालता, बल्कि जादूगर ने ये बोतल पहले से ही अपने जैकेट में छिपा रखी थी। स्लो मोशन में देखने पर साफ पता चलता है यहाँ जादूगर ने बलून के साथ उस बोतल को भी पकड़ रखा है जो इस वक्त उसके जैकेट की पॉकेट में छिपी हुई है। और जैसे ही जादूगर बलून फोड़ता है, वो साथ ही उस बोतल को भी बाहर निकाल लेता है जो देखने में किसी जादू की तरह लगता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट, यानी माइंड रीडिंग वाले पार्ट पर। असल में इस एक्ट में जिस कार्ड्स के डेक का इस्तेमाल होता है वो एक गिमिक डेक होता है जिसे इनविजिबल डेक भी कहते हैं। इसे आप अमेजोन से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें दो दो कार्ड्स के पेयर बनाकर उन्हें पीछे से जोड़कर साथ में रखा होता है। ये परमानेंटली नहीं जुड़े होते बल्कि एक दूसरे के पीछे रखे होते हैं, और जादूगर अपने स्किल से बिना किसी की नजर में आए इनमें से अपनी मर्जी का कार्ड निकाल सकता है। यानी इस डेक में कार्ड्स के 26 पेयर्स हैं। इसमें एक साइड सिर्फ ऑड कार्ड्स हैं और दूसरी साइड सिर्फ इवन कार्ड्स को रखा गया है। लेकिन कार्ड्स को कुछ इस तरह से रखा गया है जिससे एक पेयर के दोनों कार्ड्स का सम 13 हो। साथ ही हार्ट वाले कार्ड्स को स्पेड्स और डायमंड को क्लब के साथ पेयर किया गया है। और जब स्टार्टिंग में कार्ड्स को दिखाया जाता है तो एक साइड के ही सारे कार्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि डेक के आधे कार्ड्स इनके पीछे उल्टी डायरेक्शन में पेयर्स में रखे हुए हैं। अब जब जज अनाउंस करती है कि उसने अपने मन में सिक्स ऑफ हार्ट्स का कार्ड सोचा था, तो आप जानते हैं कि सिक्स ऑफ हार्ट्स के आगे यानी दूसरी तरफ कौन सा कार्ड होगा? क्योंकि एक पेयर के कार्ड का सम 13 है तो 6 के पीछे 7 होगा, और क्योंकि हार्ट के साथ स्पेड को पेयर किया गया है तो 6 ऑफ हार्ट कार्ड के दूसरी तरफ वाला कार्ड होगा 7 ऑफ स्पेड। अब कार्ड्स को शो करते टाइम जादूगर 7 ऑफ स्पेड्स वाला कार्ड देखता है और उसके पीछे वाले कार्ड को अलग कर देता है जो ऑब्वियसली उल्टे डायरेक्शन में होता है और 6 ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड होता है। लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरी डेक में सिर्फ 6 ऑफ हार्ट वाला कार्ड ही उल्टा है जिसे जज ने सेलेक्ट किया था, और इस कार्ड को उल्टा जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से कर दिया। लेकिन अब आप भी जानते हैं जादूगर ने ऐसा कैसे किया। इस अगले कमाल के साइकिक ट्रिक को परफॉर्म किया है मैजिशियन एक्स ने। इस एक्ट में जादूगर सबसे पहले शो के दोनों एंकर, जो काफी अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे को 1989 से जानते हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाता है। इसके बाद जादूगर दोनों को एक एक बोर्ड देता है और दोनों एंकर्स को उस पर रैंडमली कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। और फिर कुछ देर बाद जब बोर्ड को सबको दिखाया जाता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एंकर्स ने बिल्कुल सिमिलर ड्राइंग्स बोर्ड पर बनाई थी। और थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये 1989 लिखा हुआ है, यानी वही साल जब दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे। लेकिन कैसे ऐसे साइकिक कनेक्शन तो मूवीज में ही पॉसिबल है, वो भी जब दोनों जुड़वा भाई हो। तो जादूगर यहाँ ऐसा कैसे करता है, चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट। दरअसल जो बोर्ड दोनों को ड्राइंग करने के लिए दिया जाता है वो एक मैजिक ड्राइंग बोर्ड था जिसे डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ बोर्ड में पहले से ही ये वाला ड्राइंग फीड किया हुआ था, और जो मार्कर दोनों एंकर्स को ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है उसमें इंक नहीं था। यानी यहाँ इन दोनों को और पब्लिक को लग रहा है जैसे वो बोर्ड पर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि उनका मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैजिशियन उन दोनों से बोर्ड ले लेता है और इसके बाद उन दोनों को आंखें खोलने के लिए कहता है। यानी दोनों एंकर्स ने अब तक बोर्ड को नहीं देखा है, उन्होंने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया भी है या नहीं उन्हें नहीं पता। अब क्योंकि बोर्ड जादूगर के हाथ में है, वो हिडन बटन से बोर्ड में पहले से ही फीड किए हुए टेक्स्ट को एक्टिवेट कर देता है और फिर बोर्ड को ऑडियंस की तरफ टर्न करके सबको चौंका देता है। Yeah.
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए सीक्रेट्स के साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।